हुण तुहाडे सामणे मौला दे बहुत प्यारे मद्दाहान, बहुत सोहणी नौकरी करन वाले जनाब आसफ रज़ा गोंदल साहब अफदियोवाल ये खिताब फरमावणगे जी। दरूद पढ़ो मुहम्मद वाले मुहम्मद दी ज़ात ते सार। इल्तमास से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआति व फी कुल्लि सआ वलियन व हाफिज़न व काइदन नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौवन व तमत्तियहु फीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अजल फरज आले मुहम्मद। कोशिश करो मिल के बवाज़े बुलंद सलवात। नारे तकबीर। मिल के बवाज़े बुलंद नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। हरामी हलाली दी पहचान मिल के यकसबा। नारे हैदरी हैदरी। कोशिश करो इमाम सैयदुल साजदीन दी ज़ात ते बवाज़े बुलंद सलवात। जिंदा सलामत रहो। अगर तकलीफ महसूस ना करो कोशिश करो बवाज़े बुलंद सलवात। सलामत रहो। यकीनन शिया सुन्नी अहबाब तशरीफ फरमाओ। तो किबला इजाज़त है दो चार लफ्ज़ जनाब दे हवाले बाबा जी करिए। एक बारी कोशिश करो सलवात इंज पढ़ो जिमें घराना लेके सलवात है बाबा से बुलंद सलवात। लो जी शुरू करिए जी। लफ्सा तो गौर करे दुआ करे। कोई भी मैं लम्हा ज़ाया किते बगैर पहला जुमला जनाब दे हवाले करना चाहता। लुबनान शहर का आलम दीन है, मुसलमान ने ईसाई है। मैं अद्धा लम्हा भी थोड़ा ज़ाया नहीं किया। तुसा गौर करने मैं अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना जाकर भी मिनट पढ़े पंजी पढ़े अद्धा घंटा पढ़े चाली मिनट पढ़े पंजा पढ़े वो फायदा कोई नहीं कि जाकर पढ़े बंदे उथ बहर जाए बंदे पुछन की पढ़िया है आखन चंगा पढ़िया है ये नहीं पता की पढ़े है। मजलिस उस चीज़ का नाम है जाकर पढ़े। इतों उठ के जाओ डेरे च बवो बैठक च बवो पांच बंदे बैठे हो पुछो जाकर की पढ़िया तो तुम दस सकते हो वो जाकर है। ठीक है जी। एक फिक्रिया मजलस है मैं जनाब के हवाले दो चार जुमले करने चाहता। तुसा दुआ कर जिंदगी सौर जासी लफ्जा से गौर करने तो मजलस मेरी दबाओ। लुबनान का आलम दीन है, मुसलमान नहीं ईसाई है। एक हज़ार तो ज़्यादा किताबों का राइटर है मुसन्नफ है। आलम इतना व्डा है कि रोड से गुजरद हो नवा दरखत वेख के किताब लिख देता है। आसमान से नवा चमकता हो सितारा वेद है बाबा जी किताब लिख दें। च्योंटी ते किताब घोड़े ते किताब। इतना बड़ा राइटर 92 साल इसकी उम्र है। ईसाई मज़हब नाल तल्लक है। ईसा का कलमा पढ़ता है। अपनी लाइब्रेरी च बैठा है। इस दे मज़हब ईसाइयत दे 6 आलम बैठे ने 3 इत्थे 3 इत्थे। इस 92 साल की उम्र च पहली दफ़ा हसन दे प्यो का कलाम नहजुल बलागा पढ़े। बला तवज्जो करने जरा। इस पहली दफ़ा कलामे अली नहजुल बलागा पढ़ के इतों हाथ उठे इतने आया इस अंदाज जड़ा इतने बैठा ही ना उस हाथ ना फेरे। उसके हजूर खैर तो है परेशान हो गए अदा छोड़ यार छोड़। उसका ना सही गल दसनी पोसी परेशान हो गए साड़ी मिलत का तू आले में तू परेशान है गल दस अदा छोड़ यार। उसका ना सही गल दसनी पोसी अगर यार जे सच पुछते हैं तो मैं परेशान इन्होंने मुसलमानों की सोच की वजह तो मैं अपनी वजह तो परेशान नहीं
मैं मुसलमाना दी सोच तो परेशान उसका हजूर छोड़ो मुसलमानों पर इन्हों तो क्यों परेशान उसका ना सही गल छड़न वाली नहीं गल परेशानी वाली उसका सही दसो तो सही अदा यार अज तक इन्हों की बहस जारी है अपने नबी मुहम्मद तो बाद एक आदा फुलाना अफजल है एक आदा फुला अफजल है एक आदा मुहम्मद तो बाद फुला अफजल है एक आदा मुहम्मद तो बाद फुला अफजल है और सका मैं इकलाम नहजुल बलागा पढ़ के अली की शाही कबूल करके जेड़ा पहला हुक्म अली जारी किया है और सका मैं अंदाजा ला लिया पहले हो रान ए अली हो यार तब जो है ना सारे दी लाला कभी तुसी थोड़े इत्थे अगे आ जाओ वरना तब थोड़ा जिहा माहौल बन जाए ओ जिहड़े पिछले लाले बैठे ने लाला तुसी भी थोड़े थोड़े आ जाओ जरा आ जाओ मौला जिंदगी करे आ जाओ पक्खा इत्थे है यार जिंदगी आ जाओ बिस्मिल्लाह आ जाओ जिंदगी दराज होवे मौला इमाम हुसैन बादशाह तुहाडियां जिंदगियां दराज फरमावे बाबा जी मैं ना मेरा दिल है लाला साउंड वाले तू भी जरा इन्हें फिट रखी जरा मैं एक दी आवाज़ खोल के थोड़ी जी खोली खोली जिंदगी रल के सारे मिलके बाबा से गुलाम सलावा लो जी मेरा दिल बाबा जी पति की है मैं हाजरी हो गई है थोड़े चेहरे की जियारत हो गई है बड़ा लंबा सफ़र बाबे साहब शारा का फोन आई तो ढेर सारा सफ़र किया थोड़ी मुहब्बत तो मेरा दिल है कि चलो इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो लफ्ज़ ऐसे होन कि कम अज़ कम आंदे साल 26 मुहर्रम तक याद हो ठीक है ना जी तो जितना मैं पढ़ना है और वीडियो बन रही है बाद लै लवे है एक साल के टाइम तक मैं लफ्जा का सामान हाँ मेरा जुमला गलत हो अली की विलायत की कसम है मेरा अंजाम बहुत है मैं जितना पढ़ना लफ्जा का सामान हाँ तो तुम्हें दुआ करनी है ठीक है जी अच्छा जी ईसाई आद है मैं अली के शाही हुक्म तो अंदाजा ला लिया जदा मौला अली ने खिलाफत कबूल की है ना उस मैन अंदाजा हो गया है कि पहले तीन खुलफा हो रहा ये अली थोड़ा जहा दाद नहीं इंज बोलना है ताकि लफज याद हो जाए अली हो रहे वो जरा इतने बैठा ही ना उस हथ न पे उस हजूर ये थोड़ा जा सानू भी दसो ना भाई वो पहला हुक्म अली का है क्या भाई जिस वजह तो तुम अंदाजा ला लिया कि पहले तीन खुलफा हो रहा अली हो रहे वो हुक्म थोड़ा सानू भी दसो ना बाबा जी ये गल कर तो पहले ना मेरा दिल है कि मैं तुम्हें तो एक गल छोटी जी दस दें कि अली मौला खिलाफत लई नहीं हाय मौला खिलाफत कबूल की थी खिलाफत लैनी हो रही खिलाफत कबूल करनी हो रही जी इस गल की समझ इस कोटली शहानी के बंदियां नहीं ना होनी मुझे मैं आदमा पाकिस्तान मेरी तक मजबा कौनी जिन्ना समझना है क्योंकि गल थोड़े नेड़े दी है इतों बंदा बहर जाए ना है बहर बड़ा सारा बाईपास बने है यह सीधा जा रहा है सियालकोट शहर सियालकोट का एक शहर है शहर मशरक डॉक्टर मुहम्मद इकबाल अलामा इकबाल एक शहर सारा कोई दस गया है अलामा इकबाल नहीं आख्या भला उस अली को खिलाफत से क्या गर्ज है जिसने खुदा बनने से भी इनकार कर दिया जिंदगी जिंदगी हो गई भला उस अली को खिलाफत से क्या गर्ज है जिसने खुदा बनने से भी इनकार कर दिया इसका मतलब है अली खिलाफत ली नहीं खिलाफत कबूल की थी बाबा जी जे गल हुई फिक्र वाली तो तुम मावा दियाँ छोरियाँ तो शिया बैठी हो बुजुर्ग हो आ मेरे सारे बुजुर्ग बैठे ने मेरे लाले बैठे ने मेरे वीर बैठे ने सारे अपने आ ते लफ्जा ते गौर करने ते तुसी दुआ करनी है ऐसा मौजू मैं जनाब के हवाले कर रहे हैं वहाँ दुआ करें हूँ सवाल भी इन है नहीं तो फिक्र भी है ईसाई याद है कि वह पहला हुक्म जो अली ने खिलाफत कबूल करके जारी किया है वह हुक्म क्या है वो जरा इतने बैठा ही ना राइटर उस सुन बादशाह अली जदा खिलाफत कबूल की थी ना मौला ने मौला अपने पुत्रा नु नाल लिया एक पासे हसन है एक पासे हुसैन है मुहम्मद हनफी है अब्दुल्ला है जाफर है अली औसत है अबैदुल्ला है मुस्लिम बिन अकील है अब्दुल्ला बिन जाफर है इस सारे पुत्रा के भतीजिया नु नाल लेके अली मदीने के चुराहे चा गए जे अगे किसी जाकरी चे मौजू पढ़िया हो जाए तो मुड़ भावें थले सिर सट के सौ जाए है तो जे जुमले वे हो लफ्जा का सामान आ तो मुड़ दुआ का हक बन दिया तो सिर सिर्फ इंज रखिया तो मैं राजी हाँ ठीक है ना जी लफ्ज याद करना है पुत्रा नू नाल लेके मौला मदीने के चुराहे खड़े हो के अमीर अल मोमिनीन बादशाह ने पहली हकल मारी केड़ी अली फरमाया या अय्युहन्नास हाय
लोगो बंदे घर तो बहर आ गए हूँ हुक्म वेखना है तो मजलिस मुकम्मल होगी बाबा जी दुआ करनी है हुक्म वेखने की बंदे घर तो बहर आ गए जी या अमीर अल मोमिनीन मौला हुक्म अली फरमाया सुनो मेरा मिंबर मदीने नहीं इथों जाओ कूफे ले जाओ मजलिस मेरी मुकम्मल हो गई है जिस बंदे ने समझ आ गई भाई तुहाडे ते हुण तुहाडे ते सवाल है क्योंकि जाकरी जाकर दा कम बनता ना मुजमे नूं नर ला के टुरना हुण मैं तुहाडे ते सवाल करना भाई तुहाडे ज़हन च कदी भी ये गल नहीं आई तुहाडे वास्ते सारिआं ते भी पहली हुकूमत आई है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह मदीना दूसरी मदीना बाबा जी तीसरी बोलिया सारे मदीना तो जे असल मदीने वाले हाँ वो गुफा भाई जिन्हों का असल मदीना है जेडे मदीने के असल सरदार हैं वो गुफा सवाल है कि कोई ना है ना अली मिंबर कूफे क्यों लै गए लो जी इनकी गल का जवाब सुनो तो मजलिस मुकम्मल है जेड़ा इतने बैठा ही ना जेड़ा बार बार सवाल कर रहे उस फिर सवाल किया उसने कहा हजूर गल तो वाकई सोचना नहीं भी पहली हुकूमत आई है मदीना दूसरी हुकूमत आई है मदीना तीसरी हुकूमत आई है मदीना अली मिंबर कूफे लै गए बाकी गल तो सोचने वाली है समझने वाली है थोड़ी जी मेहरबानी करो तो दसो नहीं हूँ जवाब सुने जिंदगी सौर जा सी लेकिन ऐसे जुमले तो मेरा दुख लगेगा बंदा मजलिस हुसैन च बैठा है रात का एक टाइम काफ़ी हो गया है बैठा मजलिस हुसैन च हो रहे होवे अली जन वली अल्लाह पढ़ने वाला हुसैनी तो हर जुमले की कदर ना करे उस जन मेरा दुख लगेगा सादात की नुकरानी का पुत्र ना ऐसे जुमले से गौर करे है मसले हल ने ऐसे जुमले उस सही सवाल है क्या ईसाई आता इनकी एक वजह नहीं इस दो वजह दो उसके हजूर केड़िया दो ईसाई आता पहली वजह यह है अली का मिंबर कूफे ले जाना इस बात की दलील है पूरे मदीने में अली नाल इत्थों बंदा मुखलस कोई ना यार कबला समय सारे आ रही है जी ईसाई प्यार शिया का मौलवी नहीं ईसाई ईसाई आता अली का मिंबर कूफे ले जाना इस गल की दलील है अली नाल पूरे मदीने में बंदा मुखलस कोई इस पिंड का नाम है कोटली शहाणी जलालपुर का पिंड है ए मौला का अलम एक इतने वे दे एक इतने वे ए दो अलमा तो मेरा हाथ है बाबजू खड़ा कबरे शबीर की शबीर मेरे सामने में मैं हाथ ला क्या पाया पढ़ता मैं पियावा तो लफ्जा का जामन भी मैं हाँ मेरी जात असर है तेरी जमानत नहीं देनी आके जी जाकर सब पढ़ गए तो जरूर नहीं नहीं मैं जामन हाँ इस पिंड खड़ा हो के इस पिंड के इस बारगाह तो लैके लाहौर जामिया तो नहीं हाँ अहले सुनना का बड़ा दर से जो फतवे उठते हैं उतों तक गोंदल लफ्जा का जामन है तो तवज्जो तुम करे है उतों तक मैं लफ्जा का जामे ना गोबंदा आ गए ना जी इन्हें इन्हें शिया रौले पाए हुए ने शिया कम नपया हो जो मुहम्मद बाद अली नाल इंज हो गया अली नाल इंज हो गया मुखालफत हो गई मुहम्मद बाद इंज हो गया देना बंदे इवे शिया के रौले ने मुहम्मद बाद इंज हो गया दे आसफ रजा मिंबर से खड़े मेरा जुमला गलत हो इतना बार अंजाम मौत लाहौर तक तहकीक कर लवे चैलेंज यारह हिजरी मुहम्मद नबी इस दुनिया को परदा किया यारह हिजरी छत्ती हिजरी अली खिलाफत कबूल की थी 25 साल का फासला बनता है मुस्तफा की वफात और अली की खिलाफत 25 साल के बंदा साबित करे पूरे मदीने में इन 25 साल में किसे बंदे अपने पुत्र का नाम अली रखा हो गल दी समझ आ गई है जी सलवात बाबा से बुलंद पड़े जी मैक चेंज कर लीए मैक चेंज कर ली यार इंज रखिए कि सानू भी तकलीफ ना आवे तो आवाज़ भी आवे तेरी जिंदगी होगी अच्छा जी तवज्जो है सारे दी जी अच्छा जी लो जी ये तुहाडी खामोशी नहीं तुहाडी तवज्जो है चलो फिक्र है लफ्ज़ याद हो रहे ने मैं राजी हाँ मैं मुतमैना तो मैं याद ही कराने आ तो वह तुम कर रहे हो उम्मीद है ठीक है जी अच्छा पूरे मदीने 25 साल के फासले अली का नाम नहीं रखा गया
नामे हसन नहीं रखा गया, नामे हुसैन नहीं रखा गया, तीन नाम नहीं रखे गए। और मुखालफत कड़ी दिखाई है, तुम समझ आ रही है? मैं इंज पै लगता जिम्मे मैं चीन पै पढ़ना, थोड़ा सिर हिला छोड़ो जिन समझ आ जाए। नामे अली सैयद नहीं रखा गया। जे तुसी बिल्कुल परेशान हो तो मैं तुम्हें इंज आखा कि बंदिया सदाम के नाँ के पुत्रां के नाँ रखे, बंदिया मुशरफ के नाँ के पुत्रां के नाँ रखे, उसामा बिन लादन के नाँ से बंदिया पुत्रां के नाँ रखे। यार कोई सुन्नी बैठा है तो भावें शीया बैठा है, मसलक नाल मेरी गरज ही नहीं, क्योंकि मजलस से जा के बहन वास्ते बाबा जी शीया होना जरूरी नहीं, गैरतमंद होना जरूरी जिंदगी होगी। यकीनन मेरे सामने सुन्नी शीया जेड़ा भी बैठा है मजलस शबीर च गैरतमंदा का मजमा है। यार बंदा 24 घंटे टाइम है, कोई सुन्नी भी होवे तो घर च बह के बंदे कम अज कम इतना तो सोचना चाहिए ना, 2.5 मिनट का बंदे सोचना चाहिए ना भाई इस्लाम में अली तो वड्डा कोई हीरो है? अली जैसा कोई बाबा जी एक किरदार बंदा भी खावे, जो फलाना बंदा ही इनका किरदार अली के बराबर है, कोई एक बंदा साबित कर। इतना बड़ा किरदार अली का, 25 साल अली नू इतना छुपाया गया, नामे अली नहीं रखा गया, नामे हसन नहीं रखा गया, नामे हुसैन नहीं रखा गया। ईसाइया का एक गल की तो समझ आ गई कि बंदे अली नाल मुखलस ना हजूर, दूसरी गल की समझ नहीं आई। दूसरी गल कि इतने वो ईसाई हस पे, ईसाई हस के आता दूसरी वजह अली की हिकमत आई है। उस इतों ही मैं अंदाजा लाया कि पहले 3 खुलफा हो रहा अली हो रहे, उस हिकमत ही अली की। उस हजूर केड़ी हो सकता गल सुनो, मैं आम बंदा नहीं, मैं आलिम हाँ, 1000 तो ज्यादा किताब लिखी है, मैं शहर च गया, मैं हर शहर च जाकर डिठा है। उस मैं जानता मदीना शहर रही, कूफा शहर रही, कूफा आई आलमी मंडी, आलमी मंडी चाहते नहीं पूरी दुनिया के ताजर। अली ना चाहते कि मेरी गल मदीने दिया गलिए दबा दी जाए, अली चाहते आन मैं कूफा के मिंबर बैठे मैं सलूनी आखा मेरी गल जलाल पर चटा भी पहुंच जाए। जिंदगी सलाम है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह यार सलाम है। तुसी अक्सर बिस्मिल्लाह जी तुसी अक्सर एक जुमला सुनते हो ना जाकरीन को, मौला दे जाकर मदा एक जुमला पढ़ते कि ओ चीन का बादशाह जी उनका पुत्र मर गया। सारे बोलो यार जरा सुने जुमला जी, वह पुत्र मर गया, उन्हें जनाजा रखिया, उसका कोई ऐसा हकीम लभो जरा मुर्दे जिंदा करे। अगों एक बंदा बोलिया सगा हजूर पुत्र मर गया जे, तो जहनी तौर पर तुम गए हो मुर्दे जिंदा नहीं होंगे। उतों एक बंदा बोलिया सगा खलो क्यों नहीं होंगे, मैं आप डिठा कूफा शहरा नाम अली हाँ। इस सारिया गल्ला इंज ही पहुंचिया ने अली का मिंबर कूफे लै जाना, मौला मिंबर किबला कूफे लैके इस वजह तो गए ना हसनैन का बाबा, क्योंकि कूफा है आलमी मंडी। हुण अगर तुहाडा सारिया का दिल बन गया, माहौल भी सोहना बन गया, मौजू भी मैं एक अहम जिहा शुरू कर लिया, तो अगर तुहाडा दिल होवे इजाजत होवे तो मौला अली की खिलाफत का पहला दिन ना सुना। बादशाह अली की जी खिलाफत का पहला दिन है, लो जी वो खिलाफत का दिन सुनो तो नौकर नूं दुआ करो तो मैं जिक्र मसाइब शुरू करा। ठीक है जी, बादशाह अली फरमाया मेरा मिंबर मदीने नहीं, इतों चाहो कूफे ले जाओ जी। ठीक है मौला, मेरे बादशाह 3 बंदियां नूं बुलाया है, लाला तवज्जो करिया सारे जी, 3 बंदे मौला बुलाए। मौला फरमाया भी गल सुनो जी। मौला फरमाया घोड़े ते बवो, घोड़ा बजाओ, कूफे शहर जाओ, कूफे शहर की आलमी मंडी में जाके ऐलान करो, जिथे पूरी दुनिया के ताजर इकट्ठे ने ना उथे ऐलान करो। मौला केड़ा? फरमाया ऐलान करो कि जेड़ा ए जुमा आ रहा है ना, इस जुमे की नमाज मस्जिद कूफे च हसन दा पियो अली पढ़े सी। हाय 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 सलाम यार जिंदगी दराज हो बिस्मिल्ला यार। मेंबर सरकार फरमाया कि उथे ले जाओ यार, फरमाया जाके ऐलान करो। उन्हें कहा जी ठीक है जी। लो जी 3 बंदे किबला बुजुर्ग बैठे हो, मातमी बैठे हो, हुसैनी बैठे हो, 3 बंदे घोड़े ते बैठे, इंज घोड़ा भजदा 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 वो पहुँच गया उत्थे, तवज्जो उत्थे पहुँच गया आलमी मंडी च। उस दौरे च स्पीकर ते हाण कोई ना, उस दौरे च नगार हुंदा ही वड्डा सारा ने ढोल नमा नगारा
ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਢੋਲ ਨਵਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਗਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੰਦੇ ਹਜੂਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ, ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ, ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੂਫੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਦਵਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ, ਕੱਲ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਜੈਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਸਕਲੈਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਆਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾ ਦੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਸਲਾਮ, ਕੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬ ਸਕਲੈਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਈਸਾਈਆ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਾਈਆ ਦਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਕਲੈਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਨਾ 90-95 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ 35-40 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ। ਈਸਾਈਆ ਦੇ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ। ਈਸਾਈਆ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਿ ਪੜਾਉਣੀ ਸਲਾਮ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੋ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਂਝ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਈਸਾਈ ਆਦਾ ਕੂਫੇ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਜੇ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ, 10% ਲੋਕਾਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਆਣ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਆਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਆਣ, ਫਜ਼ੈਲੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਆਣ, ਕਮਾਲੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਆਣ, ਨਾਮੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ? ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਲੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਯਾਦ ਈਸਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਲੀ 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 ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਲੀ। ਈਸਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ, ਈਸਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬੇ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ, ਈਸਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ, ਈਸਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ 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 ਦੀ ਸਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਿਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਏਡਾ ਕੁ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਈਸਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਈਸਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਾਜਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਣ, ਲੁਬਨਾਨੀ ਆਣ, ਉਰਦਨ, ਯਮਨ ਦੇ, ਚੀਨ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜਰ ਜੋ ਆਣ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ, ਮਜੂਸੀ, ਦਾਰੀਏ, ਈਸਾਈ, ਈਸਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਬਾਬਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ,
उस अगर उड़दा हो जाना अगे आके उस गैर मुसलमान वेखना शुरू किया उस गैर मुसलमान आओ ऐ आओ ऐ आओ ऐ आओ वो सारे गैर मुसलमान कट्ठे करके ना सामने बहा के उसका गल सुनो तुम्हें पता है ना उन्हें क्या की उस तुम पता है ना जो बाल ने ना बाल उन्हें कहा उस धोते जा सारे बोले धोपे च चिटे नहीं हुए उन्हें आख्या बाबा बंदा पुराना है तू असं जानते हैं जो इतने आए हैं तेनों डिठा तू बंदा ही पुराना है उस आख्या जे बंदा पुराना माना तो पुत्रो फिर ये गल जेन च रखो मैं मुहम्मद के खलीफे डिठे हुए मैं मुहम्मद के खलीफे डिठे हुए उन्हें आख्या बाबा तो मुड़ उस आख्या पुत्रा गल ये कि कल मुसलमान का तो आना है खलीफा तो इन्हें पढ़नी है नमाज उस आख्या असा नमाज तो पढ़नी को नहीं साडा नमाज ना तलक ही कोई नहीं असा खलोना है बार गली जुमे छुट्टी काम तो करना कोई नहीं तो उन्हें आख्या मुड़ उस आख्या कल तुसा मुहम्मद के खलीफे की आमद वेखनी है तो चस आ गया बिस्मिल्लाह जिंदगी हो कल किताब मजा लिखे मैं उसने चस इस्तेमाल किया लफज ठीक है ना जी पंजाबी उसके चस आ जा किमें उस आख्या पुत्रों गल ए मैं मुहम्मद के खलीफे डिठे हुए ने जिस टाइम ये मुहम्मद के खलीफे आते ने ना उस आख्या मैं डिठे ने पुराना बंदा वा मैं फिरया फराया वा मैं वेख्या है इन्हों के सिर के उत्ते सोने ते चांदी का जड़िया हुआ ताज हुंदा है पैरों च हीरे ते मोतियां दियां मड़ियां हुई जुतियां उस आख्या टुरन का अंदाज इंज हुंदा है कि कोई सौ बंदा नेज़ियां लाई दे सौ बंदा तलवारां ते नेज़ियां ला खब्बे अगों फुल्लां दियां बारिशां लबैक दियां सदावां रश हजूम हट जाओ रस्ता दियो दियां सदावां उस आख्या कल इत्थे बाहर खलोणा ते आमद वेख्या ते चस आ जा सी उस आख्या वी ठीक है लजी गल मुक गई जे तमहीद हुण मैं जुमला सोहणा जिहा जनाब दे हवाले तारीख दा करां ते दुआ सारे सुनी सी जिहा रल के दबे है चढ़ पिया जुमे दा दिन मस्जिद च रश इतना हा के पैर रखन दी जगह कोई नहीं यानी मस्जिद च रश इतना हा मुसलमाना दा पैर रखन दी जगह कोई ना ए रश हा मुसलमाना दा जितने गैर मुसलम हिंदू यहूदी पारसी मजूसी दारिये ए सारे खड़े सन बाजार च मुहम्मद खलीफा दी आमद वेखिए तुरन दा अंदाज कैसा सर ते ताज कैसा पैरां विच जुती कैसी ए सारे बैर खड़े ने आउण दा अंदाज कैसा ईसाई याद आए हद मुक गई उस वेले जद जुमे का टाइम नेड़े आया एक हस्ती है जहाँ पहला कदम कुंफे दे बाजार आया है हालत के लिए ना कोई सच्चे बंदा ना कोई खबे बंदा तनहा हस्ती है नफ्से मुतमीना दी मालिक है हालत है सर ते फिरा मुहम्मद अला उमा इमाम है पैर च अपने हाथ नाल सीती हुई ना ले रहा जिंदगी बिस्मिल्लाह जी जिंदगी सरदार जिंदगी मौला इमाम हुसैन बादशाह जिंदगी दराज कर बिस्मिल्लाह यार जिंदगी दराज हो सलाम सैयद पैरे मुबारक अपने हाथ नाल सीधी हुई न लैन और जलालपुर के गिरदो नवा कोटली शहाणी के सादात ते गैरे सादात मेरे नाल एक जुमला ते दुरा दियो पूरा मजमा सोना जुमला कलमा मुस्तफा दा पढ़न वाले नाता काली कमली वाले दिया सुनन वाले एक जुमला ते दुराओ ना ईसाई का ईसाई प्यादा पैर अपने हाथ नाल सीधी हुई नलैन हा मोटे ते उमा फिरा मुहम्मद अली काली काली कमली आई हृदय मुस्तफा उस आखिर ना कोई सज्जे बंदा तलवार आला ना कोई खब्बे बंदा तलवार आला उतों एक बंदा बोलिया ओ बाबा बाबा तू तो आदमे कि नाल लश्कर प्रोटोकॉल हो सन किदे नहीं उतों एक अली वाला बोलिया सन जेड़े लश्कर दे मोहताज आन ओ हो रान ए ओवे जेड़े लश्कर खुद मोहताज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जिंदगी यार यार जने लश्कर खुद मोहताज आ कूफे दी 90% आबादी जाते डेढ़ मिनट की गल रह गई है मुक गई 90% आबादी जाते अली दे चेहरे तो वाकफ नहीं
ईसाई आता है दरवाजे ते रश इतना हा कि बंदा मस्जिद च अंदर नहीं आ सकता। हम जहरी गल है जो दरवाज़ा है यह बंद हो दरवाज़ा खुला हो दरवाजे ते 75 बंदे खलोते होना इस दरवाजे ते इत्थे ते मुड़ जहरी गल इन्ना को ते तुहानू भी पता है कि जिस बंदे बाहरों आउणा है उसनू इस गल का पता है कि भी अगे जाण वाली जगह कोई नहीं इवें ना उत्थे रश आई। तनहा मेरे मौला अली नफसे मुतमीना दे मालिक हल्के ते थोड़ी थोड़ी हल्की जी मुस्कराहट चेहरे ते बिला तशबीह मेरे मौला इंज हाथ चाके ना एक जवान दे मोढ़े ते रखे है, बेटा रस्ता दे बेटा रस्ता दे। उसने हजूर अगे जगह नहीं रश ढेर सारा तुसी बुजुर्ग हो शरीफ हो चेहरे ते नूर है आओ मेरी जगह अच्छा मैं नाल हो जाता तुसी जी। मौला दे चेहरे ते बत मुस्कुराहट आई। मौला फरमाया बेटा अज इतना रश क्यों है खैर है। उसका हजूर नवे आए हो। मौला मुस्कुरा के फरमाया हाँ बेटा कूफे आया ते नवा कूफे नवा आया। उस आखा हजूर फिर तुम नवे आयो शायद तुम नहीं जानते असल ये दुनिया सारी नमाज वास्ते वे जुमा है ना तो जुमे की नमाज वास्ते यह सारा रश इकट्ठा होया। मौला फरमाया तो क्या पहलो इतने जुमा नहीं हों हो सकता जी बेशक हों तो सरकार फरमाया पहलो इतना रश नहीं हो सकता सही असल गल ये कि पहले जुमे तो पहली नमाज से अज की नमाज से फर्क बड़ा है। मौला फरमाया कैसा फर्क है असल सही जो पहली नमाज पढ़ाने ना और नमाज से मोहताज आ जिस अज पढ़ानी है नमाज उसकी मोहताज है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह या अल्लाह नमाज खुद उसकी मोहताज। मौला बत मुस्कुरा बादशाह फरमाया अच्छा बेटा अज नमाज कैं पढ़ानी है। उसने कहा सही तुम नवे आए हो तुम नहीं जानते अज दमादे पैगंबर जानशीन रसूल वसीए पैगंबर अज अली नमाज पढ़ानी है। काबे दा गोहरे ज़हरा दा हाकमे हसनैन दा बाबा अज अली नमाज पढ़ानी है। लफ्ज़े अली आया मौला ने चेहरे ने तबसम आया। अली फरमाया अच्छा बेटा अली। उसने कहा हाँ हाँ अली नमाज पढ़ानी है। मेरे मौला फरमाया अगर अली आ गए क्या कर सो। उसने कहा हजूर तुम नवे आए हो तुम नहीं जानते मुहम्मद नबी साडे दा फरमान है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। चला अली आ गए पहले सारी मस्जिद अली का चेहरा देख के इबादत रहमान कर दी फिर पीछे नमाज पढ़ के इबादत जसान कर दी। अली हाथ चाह के सर दिलाया फरमाया बेटा चेहरे वाली इबादत तू कर लिए और रास्ता दे अली नमाज पढ़ा। यार यार बिस्मिल्ला जी करीम अल्लाह 14 की इज्जत का सदका साड़िया सफ़ा च इतिहाद और बरकत अता फरमा। बड़े नाजक हालात ने किबला बस मुक गई पढ़ाई नाजक हालात ने बाबा जी बड़े सख्त हालात ने बल्कि तुसां 4-5 दिन पहले वेख्या उसी नैट ते सोशल मीडिया का दौर है पारा चनार जड़ा जुल्म हो रहे जी बिल्कुल डर कोई नहीं लेकिन बाबा जी हर अली वाले का साडा हक बनता है कि अपने भीरामा वास्ते आवाज़ उठाइए और ये पता क्यों हो रही है गल मुक गई है खत्म हो गई है तो मैं मुसाहिब का पहला जुमला बाबा जी पढ़ना थोड़े तो इजाजत अगर दो तो मैं एक गल कर सकता अगर सारा मजमा इजाजत दो तो उसकी बाबा जी वजह पता की है उसकी वजह ये वे कि आ जड़े असी लोग आ ना साडे च जिहड़ा कम शुरू होया ना एक दूजे ते तो फलानी जात जी वो गाली मर गए फलानी जात जी मुकसर मर गए जिहड़े बंदे बंदूकां लै के तेरे मगर ने उन्होंने ये कोई गरज नहीं कि फलाना गाली है या फलाना मुकसर है उन्होंने सिर्फ एक है कि ये अजान च अली जन वली जुला पढ़ लिया बस इस गल ते और दुश्मन साड़ी शाह रग दे नेड़े आ गया मतां तुहाडा ज़हन च होवे मजलिस मुका छड़ीए मैं किहड़े कोई बंदे मारने ने या वड्डी मजलिस पढ़नी जी बंदे उठा उठा के जाकर राती सट गए ना 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 मजलिस खलूस का नाम है एक बंदे हाय कर ले मजलिस मुकम्मल हो जानी मकसद सफे मातम बिछाउणा है ना तुसा सफे मातम बिछाइए मजलिस हो गई है तुसी आके बैठे हो और हर बंदा जनाजे च शरीक हो ही नहीं सकता बंदे जाते नहीं फौतगियां ते तुसी डिठा होया सी बंदे फौतगियां ते जाते ने ते कई बंदे ऐसे होंदे ने जिहड़े मूँह विखा के ते निकल जाते हैं ते कई जिहड़े जिन्हां दी निबदी ना होवे ओह जनाजे नूं कंधा दे के दफना के ते तां हट दे
ओ गरज कोई नहीं, मातमी बैठे हो, हुसैनी बैठे हो, अजादार बैठे हो, बस मिन्नत है अज 27 की रात है, अजामे अजा ने मैं हथ बन के तेरे अगर मिन्नत करना तेनों इमामे सजाद की गुरबत वास्ते ही दुश्मन साढ़े सिर के उत्ते आ गए है। अगर कोई बंदा आखे ना मैं कोटली शहानी च महफूज हाँ उनकी गलत फहमी, अगर कोई बंदा आखे मैं बलवाल च मसरू बिल्कुल मैं ईजी हाँ गलत है। लाहौर जितना भी साड़ी कमजोरी बाबा जी जी वीडियो बना के उन्हें एक शिया जिबा किया है, जिबा करके वीडियो बना के उन्हें चाड़ीए ये ललकार चैलेंज है कि अज इनू करने पे तो तुम भी तैयार रहो। सानू एक जान हो जाना चाहिए, साड़िया आपस दियाँ मुखालफत जड़िया ने उन्होंने मुका के मुहम्मद के पुत्र के मिशन सानू इकट्ठिया टुरना चाहिए। इतिहाद कर लवो, मैं 50 हदीसा तुम्हें तो सुना सकना इस हवाले ना, इस मिंबर से खलो के 50 हदीसा सुना सकना। नबी दी हदीस है, मासूम हर मासूम का फरमान है, जनाबे सैयदा का फरमान है, मजलूम करबला का फरमान है, हर मौला का फरमान है कि वह बंदे की ना दुनिया है ना आखरत है जिससे मोमन नाराज हो गए। अगर मोमन मोमन तो राजी नहीं उनका कोई अमल काबिले कबूल। बस खत्म, मेरा करीम अल्लाह वास्ता बतूल दे पुत्रां दा साड़ी कौम में इतिहाद और बरकत अता फरमा। बस मौके मेरे हिस्से की पढ़ाई 27 की रात है, तो हुक्म मैनू मिले है कि अज जनाजा बरामद होने गैरत दे परवरदिगार बलाओ लाला साउंड वाले हुण आवाज़ खोल, मैं कभी बड़ा औखा होकर मैं पढ़ना पे जहरा जाइया तुहानू किसे दा मोहताज ना बनावें, जिंदगी दा कोई पता नहीं हो सकता है अज वाली आखिरी मजलस होवे। मैं कोशिश कर सा कोई बंदा खाली झोली लैके बाबा जी ना जाए, मातमी हो हुसैनी हो साल की मेहनत पौड़ी सारे शामिल हो गए। मैं ये जुमला पढ़िया किबला फैसलाबाद के एरिए कि गैरत दे परवरदिगार दा जनाजा है, एक चिट्टी दाड़ी वाला सैयद आई कुर्सी ते जिवें बावेरी बैठे ना इंजी बैठे आ 100 साल के लगभग आई, बड़ा औखा होके ना सैयद उठे है। मैंने आता जाकर साहब एक बार गल सुनो, मैं क्या जी सैयद हुक्म करो, बड़ा रुना सैयद रो के मैं आता है अज तो बाद मेरी तरफों जुमला पूरे मुल्क इंज पढ़ने, मैं जी बाबा जी हुक्म करो, रो के आता है इंज आखी कि अज जनाजे का जनाजा है। मेरे हिसाब न मुसाहब का लफज बाबा जी मैं पढ़ गया। चल हूँ एक सवाल तुहाडे ते करा, तुहाडे सारयां ते सवाल है यार, ईमान नाल मैंने एक गल दसो, कसरत नाल मजलिस सैयद बैठे ने कोटली शाहानी च, कसरत नाल मजमे च नहीं जानता बाबा जी कितने कितने ने, लेकिन इतना मैंने पता है कि तुहाडे मजमे च सैयद ज़्यादा बैठे ने, तुहाडे सारे सैयदां ते मेरा सवाल है यार, मातम अज 72 दे मातमदार का जनाजा है, 72 का मातमदार रही ना गरीब ईमान। चलो मेरा तुहाडे ते सवाल है, हाय करके मैंने जवाब दे छड़ो, थोड़ी हाय की आवाज़ हुसैन की कबर की शरीक कर पावे, चलो सारा रल के मैंने एक बार जवाब दियो कि शामे गरीबा करबला, शामे गरीबा तो बाद हुसैन का सजाद को जीना हाँ। बोलो ना बाकर का प्यो बाबा जी जीता। चल नहीं, मैं एक रिवायत सुनाना तुहानू, अलामा जफर हसन अमरोही की रिवायत सुनावा, हो सकता है सारे शामिल हो जाए। अलामा जफर हसन अमरोही आदे, अलामा जफर हसन अमरोही आदे, जदा यजीद का दरबार आई ना ते सादात दा लुटिया होया काफिला जदा पहुंचे ना उस दरबार च, ये हरामी शराब पे लकदा, ये शराब लकदे लकदे शिमर नू बुला के आदा, शिमर मैं आख्या हा कि नस्ले हुसैन का एक बच्चा भी जिंदा ना रहे। नहीं यार हाय की सदा फजाइल च मैं नहीं आख्या, बस है बेचादा वहाँ हाय करे, नस्ले हुसैन का कोई बच्चा भी जिंदा ना रवे, ये 23 साल का जवान है, ये किमें जिंदा है, इया लफदा खेना ये हरामी जेड़ा जाले महीना, इंज हाथ बता क्या दा यजीद जे सच कुछ देना तो ये जींदा कोई ना। वाह भाई वाह, हुण हाय की दी ओ सहारा जाया रब, शाला बहना नसीब में सजाद की गुरबत रोन का हक इंज हक बढ़ आदा, ये जींदा कोई ना, ये उस वेले का मर गई जदा ये भैन का दाज लुटी वे है ना। या हुसैन मेरा करीम अल्लाह बस दे रहा वो घर जिथा मुहम्मद की जख्मी गुलाम का जिक्र होता है, शाला जिंदगी च किसी कमीने के मोहताज ना होवन, जेडे बाखर दी प्यो दी गुरबत रोंदे बैठे ने रात इस पै। बड़ी सोहनी अलहमदुल्ला मुकान हो गई, हूँ मैं एक होर सवाल करके बाबा जी मेरा दिल मैं रला रला के शामिल कर करके मेरे नाल अज सारी कोटली शहानी दे सैयद सारे मेरे नाल जाकर बनो, मैं मुहम्मद के पुत्र का बाबा जी सारे तो छोटा जाकर हाँ,
मैं सब तो निका जाकर हाँ बतूल दे पुत्र दा मेरा दिल है मैं तुहाडे नाल एक एक लफज नूं रला के ते समझा समझा के पढ़ा ताकि बच्चे भी खाली झोली लैके अज दरबार च ना उठन क्योंकि जिस इमाम की बाबा जी अज शहादत मैं पढ़नी है ये वो इमाम है जिहड़ा हर बाजार च उठा है या हुसैन बलाओ यार बलाओ बलाओ जहरा जा यार जिहड़ा हर चौक च कतल होया है। एक होर मैं सवाल करने शामिल हो गए हूँ हर अख सैयदज़ादा पूरे मजमे की हर मोमन रो पे है सारे सैयद रो पे हो तुहाडी इबादत हो गई है लेकिन हुण मेरा दिल मैं समझा के तुहानू मजमून भी सुनावा ते बात सारे आप रल के मातम मेरे तो लैके बाबा जी सारे मातम करिए सारे पुरसा पढ़िए। शबीर का यह पुत्र सजाद कोई असलों का बीमार नहीं सजाद बाबा जी बीमारी करबला दे जितना भी इश्तिहार छपते हैं बाबा जी सवाल लिखा जाता है बीमारी करबला का मातम सजाद कोई अजलों का बीमार है मेरा इस अलम के हाथ हाशमिया पहला सजाद है जब रोब की वजह तो चेहरे से निगाह ना टिकती शुजात का पैकर रही अपने दौर का अली जी अपने दौर का अली जवान इतना चल मैं एक लफज आखा बाबा जी मजलसा मुक जाए ने इस जुमले से जी मातमिया वास्ते थोड़ी हाए वास्ते मैं सदर पढ़ने चाहना जदा दरबारे वलीद ही ना मैं सजाद की तुम्हें शुजात पहले दसा सजाद इमाम की जदा दरबारे वलीद मुहम्मद का पुत्र भी है ना हुसैन तो हाशमिया सजद आख्या पैर खलो दो कोई बंदा नाल ना आवे अगर मेरे ते औखी बनी मैं नारा तकबीर बुलंद कर सा तो तुम आ जाए शबीर अंदर गए एक हरामी कतल का ना चाहे हुसैन पढ़िया अल्लाह अकबर उलमा आदि ने पहला सजा दई जिस दरवाजे के हाथ रखे आए दरवाजा डटा है सीधा प्यो दे कदमा दे हाथ ला के ना बाबा मेनू वो बंदा तो विखा जै तेरे कतल का ना चाहे इन्हों नहीं पता सजा की दाढ़ी लै पई है या हुसैन बलाओ भी बलाओ भी बलाओ मसायब की आशा को मलका शाम राजी हो फरमाया इन्हों नहीं पता तेरे सजा की दाढ़ी लै पई है तेरा सजाद जवान हो गया अज अकबर तो लेके चाचे अब्बास तक वापस ले जा दरबार जाने में सजाद जाना बाबा जी इतना कितना शुजा अपने दौर दा अली यही सजाद अपने दौर दा अली बीमार होया कद नहीं इजाजत दियो दसा बीमार कदा होया मैनु सैयद माफ करे बीमार कदा होया आओ हाय दी सदा आवे बीमार कदा होया जदा नौ मुहर्रम आई लश्कर आते पे कई पासों आवाज आइए खोली आ गए कई पासों आवाज आइए जजर में कैस आ गए कई पासों आवाज आइए हुरमल आ गए तो जदा 20,000 का लश्कर लेके शिमर आया ना करबला के टिबिया शाला शिया ना हो जी हाय की सदा ना निकलती इस जुमले से 20,000 का लश्कर लेके शिमर आया तो सजाद नारे तकबीर बुलंद कीता अल्लाह हू अकबर बादशाह हुसैन तो अलमा वाला एक टिब्बे ते बैठे इंज हुसैन हाथ जाके गाजी के सर ते ला के फरमाया अब्बास लहजा ते बाबे अली दे कौन पे लड़ दे गाजी कदमा ते हाथ ला के दे पाबंदियां मैंने खा गई यानी सोना पुत्र सजा है ऐ गल जिंदी वजह तो सजा की कमर झुकी है ना तो बाकर का प्यो रुने वो ए गल बाबा जी होने माफी दवे है ऐ गल की वजह तो सजाद रुने शबीर उबाले कदम जाके ना सीधा सजाद बुला के इंज हाथ जाके ना आपत सर ते ला क्या देने सजाद बजड़ा किस की इजाजत नाल तलवार चाहिए प्यो दे कदमा ते हाथ ला के दा बाबा जिथे मसला गैरत दा आ जा वाह भाई वाह वाह भाई हौसले ना सजन बलाओ दा दा दे मलका शाम राजी होगी वाका दा की तई इंज सजाद नु रवण दा हक है जिता मसला गैरत का आ जाए उठे इजाजत की कड़ी लोड़े और कोटली शहानी आलियो मेन अली दी धी के लखे बुरके की कसमे शाला मुक जाना मेरे सा और मैं सजा की गुरबा का जुमला न पड़ा ए जुमला हा जे सजा की कमर छुपा छड़ी आई शबीर हा न ला के फरमाया सजाद बचड़ा अगर तो करबला लड़ पया ता भैना नाल बाजार बाजार का नाम आया मिट्टी तो खड़े आए आदाए बाकर मेनू आसरा दे मेनू खैरत खा गई या हुसैन या हुसैन या हुसैन बड़े हौसले नाल बड़े हौसले नाल सजदा दा हराजा या राजा
मलका शाम राजी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रोमन तो जुड़ गए हो, जिन्हें रोमन का हक ही बाकर दे पे हो इंज रुने हो। हाँ मेरा दिल है बाबा जी, मैं सईदा तो इजाजत लेके एक बारी पिंडाल जितने सैयद हो, मैं नुकरानी का पुत्र हाँ, मैनू एक बारी इजाजत दियो। हुण मैं अपनी जाकरी रिवायत नहीं सुनाऊंगा, हुण मैं तुहानू सुनाउणा वा 12वें इमाम दे 3 सलाम। अल्लाह जाने कहंदे पासे नाल रत बैठा रहंदा है परदा गए बदला। 12वें इमाम दे सलाम सुनावा जी, सलामा सलाम जी, इजाजत सारा मजमा दे परदा गैबत वाले दी ज़ियारत नहया दे 3 सलाम। लै 3 सलाम सुनावा तो सारा मजमा फिर मातम रल के करेगी। आओ सारे मातमियाँ, मैं खुद पहले मातमियाँ बात जाकर हाँ, फिर सारा मजमा मातम करेगी। 12वां इमाम परदा गैबत वाला फरमेंदे, मेरा सलाम है उस कैदी दादे ते जेदे बदन दा गोश्त लोहे दे जंजीर खा गए। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बलावी बलावी। बड़े हौसले नाल सैयद, बड़ा हौसले नाल जेदे बदन दा गोश्त लोहे दे जंजीर खा गए। अगले सलाम पढ़ा पढ़ा सलाम अगला। परदे खैबत वाला इमाम फरमेंदा, मेरा सलाम है उस कैदी दादे ते जेड़ा बाजार ते हर चौक च ज़िबा होया। बाबा जी मैं रुकपति क्यों गया, मैं तीसरा सलाम पढ़ने तो पहले पते क्यों रुके हैं? तीसरे सलाम तो पहले सैयद मैं मातम खुद करना फिर रल के मातम करिए। इस वक्त पढ़ने की लोड़ नहीं पैंदी। मैं पाकिस्तान के जिथा पढ़े है बंदियां टकरा मार मार दीवारा रंगीन कर लिया ने। इस 12वें इमाम दे सलाम दे ज़ाकर आसफ़ रज़ा ने परदा गैबत वाले का सलाम है ते हुण सारे मातम करिए। लै पहले मातम मैं करा फिर सारा मजमा मातम करे। सलाम ऐसा है तेरा 12वां इमाम फरमें, मेरा सलाम है उस कैदी दादे ते जेड़ा बाजार दी भीड़ च ऐना अरका दे भार डर डर के और 4 सालां दी निक्की भैन लभदा और जेड़ा आदा हा शामियो ओ मैनू प्यो दे सीने दा तवीज नहीं लभदा ओ बाजार च मेरी भैन नहीं लभदा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लामान अल्लामान हाय जहरा जाइया राजी होनी सैयद, जहरा जाइया राजी नहीं। मैं बाबा जी बात बड़े हौसले नाल सैयद, बड़े हौसले नाल पुत्रां दे शार होंगे। मैं बात इस्लाम दोबारा पढ़ा, मैं सलाम 12वें इमाम का दोबारा पढ़ा। 12वां इमाम फरमेंदा, मेरा सलाम है उस कैदी दादे ते और जेड़ा बाजार दी भीड़ च अरकां दे भार डर डर के निक्की भैन लभदा और जेड़ा आधा शामिया मैनु प्यो दे सीने दा तावीज़ और मैनु 4 सालां दी भैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बलावे बलावे बलाओ। जहरा जाइया राजी बाबा जी पढ़ा रिवायत औखी होना जे तुम इजाजत दियो। मता कोई बंदा आखे पूरी जान पढ़ के चला गया मैं गलत पढ़ा, मैनू ए उम्मल बनीन दा पुत्र इस मिंबर ते जलालियां ला इत्थां मौत दे के थले लावे। तू न कर मातम ता गाजी जाने ते अज तू जान। मैं पढ़दा सजाद पे आवां ते कोई बंदा शर्मा के नहीं। आओ मैं हुण रिवायत सुनावा, माफी दवे है और यानी मैं रिवायत सुनाना। प्यो दी शहादत तो बाद करबला तो 35 साल जिंदा रहे। 35 साल रात रुने ता जुबान ते ही कल फजुंदा हा अशाम अशाम। मैं ना ले आए बंदियां हाथ नहीं माता वास जाया शाम शाम। बाबा जी माफी दवे रिवायत औखी, सैयद मैंने माफ करे माता वास हाथ ही जवानों ता मातम करे रिवायत औखी आ गई। अशाम एक हराम ज्यादा हा जिसका नाम आई हारिस बिन नुफल।
सैयद माफ करे, मैं सजदा च खलो के मैं पढ़ रहा बाबा जी, मैं इस इमाम की गुरबत पर्दा नहीं पाना, मैं तेनों दुख सुनावे। हारिस बिन नौफल, तेरा इमाम जदा भी नमाज पढ़ दी आना तो इमाम उठता इंज कमर ते हाथ ला के आदा, ओ हारिस तेरे ते लानत होवे, ओ हारिस बिन नौफल तेरे ते लानत होवे। इमाम का एक गुलाम है जिहदा नाम है ज़ोहरी, इस कदमा ते हाथ लाया आदा पुत्र शबीर का, अगे को खटलो ने अखा च खून है, ये हुरमल ने असकर नु तीर मारे है, उसते लानत नहीं करता। हसीन अकबर लाया है उससे नहीं करता, इस केड़ा काम कीता है जो इससे इतनी लानत करने है। गैरत का परवरदिगार मुंह दे बाहर मिट्टी ते ठह पे, सैयद आदा जेड़ा काम इस कीता है ना, मैं जन्नत च भी रोना है, मैं मैशर च रोना है, मैं कब्र च भी रोना है, माफी सैयद आवे है। आदे मौला की कीता है, फरमाया यारा मुहर्रमा ये करबला दे टिबियां छाया है, ये हरामी उमर साद नु आखिया मैं हो गया लेट, मैं जुल्म करना हा सहरा दे पुत्र हुसैन दे, शहादत हुसैन हो गई है, और शाला मां प्यो नसीब हो तरबियत सारे कोशिश करे है, अरे मैं हो गया लेख, मेरे जिमे कोई ऐसा काम ला जेड़ा मैं यजीद के दरबार च दसा ते मेनु इनाम मिले। हुण शिया तेरा इम्तिहान है माता वास्ते, इया जुमले आखे ने सजाद रो पए ने, सैयद आदा उमर साद एक ताजियाना इन्हें हाथ रखे है जिंदे ते लोहे दिया मीखा लगिया हुई हाण, इंज देख आदा तेरी ड्यूटी है करबला तो लेके शाम तक अली अकबर दे पालन वाली मां ज़ैनब दी अख ना लगे, ओ जिथे अली दी धी समे ओ तो लोहे दे ताजियाने नाल अली दी धी दा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, बड़े हौसले नाल सैयद, बड़े हौसले नाल, बलो 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 बलो, बड़े हौसले नाल सैयद मैं बयान करना चाहना, मैं बयान दे नेड़े आ गया, बड़े हौसले नाल, बड़े हौसले नाल। गरीब आदाए असकलान तो पहले, असकलान तो पहले एक जाते मेरी माँ आलिया दी अख लग गई है, ये हराम जादे ताजिया ना चाहे है, मेरी चौ साल की बहन मेरा मोटा हला क्या दिए सजाद और वेखना, गरीब आदाए मैं भजिया दे बड़ा और मेरे जान तो पहले इस ताजियाना मेरी माँ दे सर दे मारे आए, उस वेले मेरी माँ आदि रही है ना मार मैनु अकबर दी मौत खा गई। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, आ मेरा बारवा मौला इन्हों का रोना कबूल। बाबा जी खामोशी, एक मैं बयान करा, मजलिस हो गई है, अगर इतना ही तबूत आ जाए या मजलिस हो गई है, लेकिन मैं समझा के एक बयान करना चाहना ताकि सारे बाबा जी जेडे रह गए ने मातमी शामिल होवन, मैं पहला बयान करा, खामोशी हौसले ना हो गई, खामोशी हो गई, लो हुण एक जवाब ते पहला मैं लला पहला बयान करना जरा सहारा दे, एक बयान कर बाबा जी, एक जवाब है, मजलिस हो गई, तुसा इबादत हो गई है, मजलिस है शबीर, असी कितना रो सकते हैं, मर तक किसे नहीं जाना, मर तक किसे नहीं जाना, लेकिन हो सकता यार बार बार ता आदा पैमा आइंदा साल है मुहर्रम का चन ये दिन कोटली छानी वाली, पता नहीं मैं या तुहाडे च कोई नदी ना च हुंदा है या नहीं हुंदा, जिंदगी दा केड़ा पता है। इस वास्ते कोई बंदा शर्मा के नहीं, जेड़ा अज वाला इमाम है ना ये एडा गरीब है ना, इनू करबला तो शाम तक हर कह मारे, वाह भाई वाह, बलो बलो सहरा जनिया राजी शामिल हो गया। मैं बहन बाबा जी करने, लेकिन मैं मातमिया को एक गल पूछनी है तो फिर मैं बहन सुनाना, बाबा जी मैंने जवाब सारे दे, कोई घर ऐसा नहीं जेड़ा मौत तो खाली हो, कोई घर ऐसा कोटली वाले नहीं जेड़ा मौत तो खाली हो, हर घर च बाबा जी मौत है, कोई घर ऐसा नहीं, भीरावां ले बैठे हो यार, पुत्रां ले बैठे हो, सारे बैठे हो, मौत तो खाली कोई नहीं, लेकिन बाबा जी अगर घर चो किसी एक मैयत उठ जाए ना, कुरान की कसम है बंदे नूं जिंदगी च नहीं भुलदा, भीरा दा मैयत उठ पवे जवान दा, पुत्र जवान दा मैयत उठ पवे,
जिंदगी च नहीं भुलदा, जिंदगी के हर मोड़ के उत्ते वो याद आता है। तो यार एक बार सुनी है तो सुनी रह, शीए तो शीया रह, असी भैं लैके कभी भी ना रोंद। रात का यह टाइम है बंदे यार, कितों बंदियों को टाइम है, कितों बंदियों को वक्त है। बंदे घर बाबा जी कुरान की कसम है लगदिया दिया फोतगियां जाने वास्ते टाइम कोई नहीं। असी भैना ना लैके जवान दियाँ ना लैके शबीर दियाँ मजलसें बहने क्यों बहने, बस इस वास्ते बहने क्योंकि करबला ते शाम जंग नहीं हो। उम्मत फतूल दे वेड़े दा बड़ा नुकसान किया ही। तो मैं नुकसान तो दसने तो मैं पहला बयान करना चाहता हाँ। नुकसान सजाद दा बाबा जी दसा मैं, बाबा जी एक जनाजा बंदा चा लवे ना बंदे की कमर सीधी नहीं होंगी, दो जनाजे चा लवे नहीं सीधी होंगी, तो जिन्हें पांच जनाजे उठाना सीधी नहीं होंगी। और मेरा सुन्नी वीर अगर को बैठा है आलम के हाथ आई सजाद ओ गरीबे जिस 72 जनाजा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बाबा जी कल मैं फैसलाबाद पड़ फटदा कम अज कम 50,000 बंदे का मजमा हा, 50,000 का मजमा दरे सजा। उत्थां एक मोमन जिहड़ी गल की थी, वो गल सुनो तो पहला वहम सुनावा। वो मोमन मातम करके आता है सिर्फ 72 जनाजा नहीं, सजाद वो गरीब है जिस 13 मुहर्रम मौजे न ला के 72 लाशा दफन कीतियां करबला विच, और सजाद वो गरीब है जिस करबला तो लैके शाम तक 108 बतूल अपने हाथ नाल दफनाए। मैं पढ़ गया तुसा सुन लिया, मैं पढ़ गया भाई 108 बतूल अपने हाथ नाल, और जिस भैना हाथा नाल दफनाइया, और जिस भने जिया हाथा नाल दफनाइया, 72 करबला 108 शान ए बन जाते नी 180 हुन हाए दी सदा आवे पिंडा ले जा। एक जवाब दियो जिस 180 जनाजा हाथ नाल दफनाया होवे ओनू कोई जहर दी लोड़ हा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बलावे बड़े हौसले नाल सजे जहरा जाया रा। वाह हुसैन वाह हुसैन। बलावी बलावी मलका शाम राजी होगी। लो जी पहला बैंड सुनावा जहरा जाइया तो किसी का मोहताज ना बनावा। 180 जनाजा बाबा जी जिस 180 जनाजा सजना का दफनाया होवे उन्होंने जहर की लोड़ आई। 95 हिजरी 5 मुहर्रम जहर है। भलो जहरा जाइया राजी बड़ा सोहना सैयदा जुमला फरमाया कि मौत दे कान जहर दी आने ना। मैं बाबा जी इन्हें जिमन चो एक बहन सुनावा, मैं इन्हें जिमन जो तुम पढ़े है ना, मैं इन्हें जिमन ची एक बहन सुनावा तो आओ सारे रल के मातम करिए। जहर मिली हुई है 95 हिजरी है, जिगर के टुकड़े कभी कभी के बहर पे आने, धियां खड़िया पुत्र खड़े तड़पता पे गहर परमर दी गाल, इमाम तड़पते पे ने बाकर पियो के कदम से हाथ ला के बाबा बाबा जहर का दर्द है, पहली खून की उल्टी आई है ना जहर का दर्द है। गरीब लोग कहता जहर का दर्द नहीं, एक अरमान है आज कोई मेरी आलिया जी भैन हो गया। वाह भाई वाह बलावी बलावी बलावी। जेड़े मेरे जिगर के टुकड़े हाथों से झले आ, मैं मजमून सिर्फ इमामे सजाद पढ़ा हा, लेकिन तुम कसरत न बैठी हो सैयद। अगर मैं ये जुमले ना पढ़ा मजमून की तकमील नहीं होंगी क्योंकि कसरत न सैयद बैठे ने। ते कल आले मुहम्मद घर च एक कजिया नहीं दो कजिया, 5 मुहर्रम दो ते तुहाडे वास्ते मैं सैयदा वास्ते जुमला पढ़ना चाहना क्योंकि जेड़ा दूसरा कजिया ही ना उस बीबी का सैयदो तुहाडे ते एहसान करे। शुक्रिया अदा उस बीबी का कीता करो। उस बीबी का मैं एक बहन जरूर सुनावा फिर रल के मातम करे। भावें जिगर फटिया होया है ना, भावें जहर का दर्द है, सज्जाद का मुंह फिरिया शाम वाले पास। इंज गरीब हाथ बढ़ा क्या दादी दादी दादी, दादी मैं गरीब कोठली वाले जदा गरीब का नाम आया बकर प्यो दे कदमा ते हाथ ला क्या दा बाबा दादी जन्ना तलब की छोड़ के पहले आ गई है या सजादा दे बचना ए ओ जड़ी साढ़े नाल बालार गई या हो
गई आ जड़ी पत्थर चले नहीं रही है जड़ी बाजार चल नहीं रही है आधे पाकर बचड़ा शरीफ कहदार साल नहीं भूलने और वेला याद करे आज दा यजीद दरबार आई नौ घंटे की पेशी आई इन्हा नौ घंटिया में कोई बीबी सजा पैर जे नहीं आई कोई खबा जे नहीं आई और सैयद कोई ना होवे जेंदा हाथ सर दे ना आवे सैयदा मातम दा परसा अला जांदे नौ घंटे की पेशी आई फिजा भावे पुटड़िया ना सजा जाया ना खबा जाया आदी आई की वे चावा और मता कै जालिम दी निगाह अली दी दीद या हुसैन अलावी 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 आवाजां दे मता कै जालिम दी निगाह अली दी दीद कदमा ते ना आ जावे मेरा लाल शाम दे बहर जावे आधा दिनों दफन करके वल्लावे इल्मे इमामत नाल मोहम्मद बाकर शाम दे बहर आए ने फिजा दी केड़ी हालत वाल खुले होए ना कबर रोहान लाया होया आधी बदिये कबारवी और मैं कली रह गईया पकड़ा दे दादी सलाम होई या हुसैन बलावी बलाओ पकड़ा दे दादी मेरा सलाम होई सलाम दा नाम आया है भावे पुटड़िया तलिया टेक उठदी आई है इवें हाथ ला गया दिए बिस्मिल्लाह करा मेरा सजा दे नहीं दादी मैं तेरा बकरा उमा वैन करा जिदे दे गाजी दी भैन दी मोहरे पिता लाल मातम दा पुरसा आदि है बकर सोनी दाड़ी चुमा अकबर वांग लथी होई आई वादा दिए बाकर बचड़ा तेरे प्यो नू छोली खड़े दी रहिया तेरे प्यो दा हक बनदा हक दा नाम आया पाकर दा दादी किला न दे और मेरे गरीब नो जहर खा गई जहर दा नाम आया फिजा दिए जहर दी केड़ी लोड़ आई का शाम दन मही काफी अभी मारनु सहा अरबी जाते अखयोर दयो मेले ता मर गया हाँ जदा लोट भई भाए बलावी जहरा जाया राजी होनी साइन सजदा राजी होनी आवाजा ते जहर दी केड़ी लोड़ आई एक शाम दा ना चलें दे बीमार दा मरवे ना दफन हो गई फिजा वाल आया है मोहम्मद बाकर हुण मैनू माफी दवे आए वैन औखे आ गए ने वापस आके प्यो नू हान ला गया दे बाबा ओ मेरा बाजारा दा हेलो एक बार मातमी
ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਜਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾ ਦਾ ਵਾਸ ਸਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਰ ਤੇ ਆਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਆਵੇ ਸਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਆਵੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਲਾਤੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਬੋਲੇ ਆਦੇ ਪਾਕਰ ਬਚੜਾ ਤੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਏ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸਈਆ ਦਾ ਢੱਡੀ ਠੀ ਮਾਂ ਗੁਰਦੀ ਆਪੇ ਹਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੰਗਾ ਬਦਲਾਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾ ਹਿਕਵੈਣ ਕਰਾਂ ਆਖੋ ਤੇ ਤਬੂਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਖੋ ਤੇ ਹਿਕਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਖੋ ਤੇ ਹਿਕਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੈਣ ਚਲੋ ਇਸ ਵੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬੂਤ ਆ ਜਾਸੀ ਹਿਕਵੈਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਆਦੇ ਬਾਕਰ ਨਾਲ ਹਿਕਲਾਰ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਏ ਉਹ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਲਾਦੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਏ ਨਬੀ ਆਖੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਾਦੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਪਲੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਰਬਾ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੱਥੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਜਸੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਈ ਬਦਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੱਥ ਕਰ ਆਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇਨਾਬਾ ਮਾਦਾਮ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇਨਾਬਾ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾ ਅਰੁਣਾ ਸਜਾ